हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकम क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटीग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप 11th क्लास में, चाहे 12th में, चाहे जेईई नीट की तैयारी करें। जीरो से हाई लेवल तक ये वीडियो चलेगी, बस वीडियो में एंड तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है समझिए, जैसे मैं कहूँ आपके पास छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी छोटी, 5, 6, 7, 8, 9, जिसको आप काउंट कर पा रहे हो, ठीक है। और मैं कहूँ उसको बड़ी सी वैल्यू बनाना है ऐड करके, तो आप क्या करोगे? अरे पकड़ पकड़ के ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे, सबको हो जाएगा। अच्छा, आप तब क्या करोगे जब आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हों, वो छोटी छोटी वैल्यूज़, बहुत सारी वैल्यूज़ हों छोटी छोटी, और उन छोटी वैल्यूज़ की वैल्यू अलग अलग है, किसी की अलग है, किसी की अलग है, किसी की अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, और आपको ऐड करने को दें, तो आप क्या करोगे, कैसे ऐड करोगे, दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कब लगाते हैं? जब छोटी वैल्यू से कई सारी छोटी वैल्यू को ऐड करके बड़ी वैल्यू बनाना है, उसके लिए हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, ठीक है। बेटा इंटीग्रेशन सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, क्या फील है, कैसे लगाते हैं, सब कुछ बेस्ड है किस पे? एरिया को पढ़ लिया आपने निकालना अगर ग्राफ के, तो आपको आ जाएगा, मतलब एरिया अंडर कर्व ऑफ अ ग्राफ पढ़ लिया कैसे निकालते हैं, तो आपको इंटीग्रेशन भी क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं कि इस ग्राफ के कर्व का एरिया, देखिए ये कर्व कैसा दिख रहा है आपको, कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है कर्व है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, समझ रहे हो, बोलो तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, इस पूरे एरिया का बताओ कैसे निकालोगे इसका एरिया। अच्छा बेटा मैं कहता कि अगर आपके पास कोई ऐसा ग्राफ होता, स्ट्रेट लाइन कर्व, देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या करते इसके लिए, देखिए ये जो कर्व है इसके नीचे एरिया निकाल लेते इसको। अब देखिए इसका एरिया क्या दिख रहा है, ट्राइंगल जैसा दिख रहा है भाई, ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझ रहे हो, तो एरिया आ जाएगा। मगर दिक्कत तो ये है यहाँ पे कर्व है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, कैसे निकालें भाई, हर रास्ते पे देखो एरिया अलग हो जा रहा है, इस रास्ते पे देखो कुछ नीचे है फिर ऊपर है फिर नीचे है फिर ऊपर है, अब क्या करोगे इसके लिए, इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा बेटा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आओ देखो अगर मैं क्या करूं, मैं इस ग्राफ के या कर्व के पार्ट से छोटा सा एक ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स काट लूं, रेक्टेंगुलर बॉक्स काट लूं, और ये बहुत छोटा सा है, पतला सा, स्ट्रिप जैसा, कैसा है, स्ट्रिप जैसा रेक्टेंगुलर, क्लियर। अच्छा देखिए एकदम पतला सा, कैसा है, एकदम पतला सा। अच्छा और ये पतले से रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी है, मान लेता हूँ dx, dx क्या है, बहुत छोटी सी लेंथ, dx बेटा किसी के आगे d लग जाए उसका मतलब बहुत छोटा सा x, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये y पे कुछ बना रहा होगा, ये होगा y पे, ये जगह मान लेते हैं y1, अब देखिए एक छोटा सा रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया कि नहीं बन गया, देखो ऐसे, ठीक है, मैंने इसको बड़ा कर लिया, ठीक है, बहुत पतला सा है बेटा, ठीक है। इसकी ब्रेथ कितनी दी है बेटा, dx दी है, और लेंथ कितनी दी है, देखो y1 दी है, मैंने इसको ऐसे घुमा लिया, क्या दिक्कत है। अच्छा अब मैं पूछूं एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए बेटा, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का कैसे एरिया निकालेंगे भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है फॉर्मूला, लेंथ कितनी है y1, ब्रेथ कितनी है dx, तो क्या हो जाएगा बताइए, y1 dx, क्या हो जाएगा, y1 dx, चलो। अच्छा हमने एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप काट लिया, आ गया। अच्छा इसी तरह अगर मैं एक और स्ट्रिप काट लूँ पतली सी, इसी तरह मैं एक और पतली सी स्ट्रिप काट लूँ, एकदम पतली सी, थोड़ी मोटी होगी लगता है, ठीक है, देखिए समझ गया, इसकी भी लेंथ कितनी, सॉरी इसकी भी ब्रेथ कितनी होगी, dx होगी, और इसकी भी देखिए कितनी होगी, हाइट कितनी दी है, देखिए y2 दी है, मतलब ये वैल्यू भी कितनी होगी, देखिए y2 दिया यहाँ से, देखिए तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे ये y1 dx, ये क्या हो जाएगा y2 dx, बस इसी तरह एरिया ऑफ अनदर स्ट्रिप क्या हो जाएगा y2 dx। अच्छा ऐसे आप काटते रहेंगे अनगिनत, बहुत सारी स्ट्रिप काटते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा y3 dx, y4 dx, ऐसे ऐड कर दो सबको ऐड कर दो, और इस कर्व का एरिया आ जाएगा। अच्छा भाई देखो, तो मैं कहूँ एरिया अंडर कर्व ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ, बताइए कैसे निकालेंगे बेटा, इस छोटे छोटे स्ट्रिप का एरिया ऐड कर दो, देखिए कितना था बेटा y1 dx, कितना था y1 dx प्लस y2 dx प्लस इसी तरह बेटा y3 dx होगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्स रेक्टेंगल काटते रहो पतले पतले, ठीक है y3 dx।
और ये वैल्यू क्या होगी, चलती रहेगी, क्या चलती रहेगी, बहुत सारी अनगिनत है, इतनी नहीं है सिर्फ, बहुत सारी ऐसे सारी, ठीक है, बहुत सारी हैं। अच्छा ये बताइए, बहुत सारी हैं तो दिक्कत क्या होगी, मैं अगर इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखना चाहूँ, सिग्मा ऐसे, सॉरी इसको बोलते हैं समेशन, समेशन ऑफ दिस ऑल वैल्यू, मतलब पूरी ऐड कर दो तो क्या बनेगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वाई एन डी एक्स। अब भाई कहाँ पे वाई वन, कहाँ पे वाई टू, कहाँ पे वाई थ्री, बार बार ऐसे करते रहेंगे, कहाँ तक करते रहेंगे पता ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, कितनी स्ट्रिप निकल जाएंगी पता नहीं। अच्छा तो इसलिए मैंने लिख लिया एन, एन क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, जैसे कि हो जाएंगे कितनी, याद देखो यहाँ पे भाई, जैसे 4 होगी स्ट्रिप तो क्या हो जाएगा, वाई 4 हो जाएगा dx, क्लियर की निकली, इसके लिए मैंने यहाँ पे n लिख लिया, n क्या है, कोई वैल्यू है, ठीक है, बोलिए। अच्छा बेटा हम ऐसे दिखाते हैं, तो ये हो गया इसका समेशन। अच्छा अब ये बताइए एक बात तो आप भूल ही गए, क्या क्या बेटा, जब आप स्ट्रिप काट रहे थे, देखिए ये एक ट्रायंगुलर पार्ट छोटा सा, देखिए एकदम जूम करके देखिए एकदम छूट गया, ये कुछ ऐसा कट रहा होगा ना, ये देखिए ये कौन याद रखेगा, ये तो भूल ही गए हम लोग, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करने के लिए अब क्या लगाना पड़ेगा, इसके लिए इसको भी ऐड करेंगे तो इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन। अच्छा बेटा इंटीग्रेशन देखिए, ये लगा दिया हमने y dx, ठीक है, y dx, जो ये देखिए कई सारे ट्रायंगल छूट गए होंगे ना इसी तरह के छोटे छोटे, जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्रिप काटेंगे ऐसा ग्राफ होगा, देखिए आप देखिए ये रेक्टेंगुलर का तो निकाल लोगे y dx करके निकाल लोगे, मगर जो छूट जा रहा है ये ट्रायंगल जैसा कुछ पार्ट छूट गया, तो इसको कैसे ऐड करोगे, इसके लिए जगह लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन, समझ रहे हो, ये कौन सा साइन है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, वाई डी एक्स। अच्छा कहाँ से, देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से एडिशन हो रहा है बेटा, देखो यहाँ से ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल टू जीरो से कहाँ तक, x इक्वल टू एक्स तक, देखो अरे भाई कोई x की वैल्यू होगी, जहाँ तक जा रहा है मुझे क्या पता। अच्छा तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू x तक, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, अनगिनत भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, क्योंकि मैंने कहा है इंटीग्रेशन से आप जितनी चाहे लंबी लंबी वैल्यू तक पहुँच सकते हो, छोटी छोटी वैल्यू को, अनगिनत वैल्यूज को ऐड कर सकते हो, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 से लेके एक्स तक चली। अच्छा जरूरी नहीं कि 0 हो, जरूरी नहीं कि 0, क्या पता आप यहाँ से चलो, देखो क्या पता आप यहाँ से चलो, देखो अब मैं कैसे बताऊँ ग्राफ में, ठीक है, देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ जरा, देखिए क्या पता आप यहाँ से चलो बेटा, x इक्वल टू 1 से x 1 हो गया, देखो यहाँ से चल रहे हो, क्या पता आपको सिर्फ इतना एरिया चाहिए, क्या चाहिए, इतना एरिया चाहिए, यहाँ से एरिया चाहिए देखो सिर्फ इतना, तो आप कहाँ रखोगे, x की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाओगे, x तक जाओगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, मैं इसको मिटा के वापस dx लिख देता हूँ, समझ गए, तो रोना नहीं है कि कहाँ से चलना है भाई, जहाँ से ग्राफ का एरिया निकालना है, जहाँ से इंटीग्रेट करना है, मतलब जहाँ से इंटीग्रेट करना है वहाँ से लेके, ये होता है लोअर लिमिट, वहाँ से लेके अपर लिमिट तक, वहाँ तक इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले को देखिए ये क्या है, x इक्वल टू 0, ये होता है लोअर लिमिट और ये होता है अपर लिमिट, भाई ऊपर है तो अपर लिमिट, लोअर है तो लोअर लिमिट, ठीक है लोअर लिमिट क्या है, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, और कहाँ तक जा रहे हैं उसको बोलते हैं अपर लिमिट, जैसा आप देख पा रहे हैं x इक्वल टू एक्स, यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, समझ गए। अच्छा भाई समझ गए, ये क्या है हमारा एरिया अंडर द कर्व, और यही हमारा क्या है इंटीग्रेशन। एक बात तो जान लीजिए, क्या लिखने वाली बात क्या है, क्या बात है भाई, इंटीग्रेशन क्या बताता है हमको, पहली बात तो ये देखिए, इंटीग्रेशन ने हमको क्या क्या बताया, इंटीग्रेशन ने हमको ये बताया कि डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स है, डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स है, कैसे, पहले लिख लेते हैं, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, पहली बात, और दूसरी बात क्या, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द एरिया अंडर कर्व ऑफ वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। अच्छा भाई एरिया अंडर कर्व ऑफ y वर्सेस x ग्राफ, ठीक है, दो बात पता चली, अब कहोगे ये रिवर्स कैसे है डिफरेंशिएशन, बताइए इंटीग्रेशन रिवर्स कैसे है डिफरेंशिएशन के, बेटा डिफरेंशिएशन क्या था, तोड़ना, छोटी वैल्यू में तोड़ना, बड़ी सी वैल्यू को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, और इंटीग्रेशन क्या है, छोटी छोटी वैल्यूज को जोड़ना, तो उसका उल्टा ही तो हुआ। अरे भाई यार डिफरेंशिएशन क्या था, dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, मतलब तोड़ो वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझे कि नहीं समझे, इसीलिए इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है जोड़ो ऑफ एक्स, अरे सॉरी इंटीग्रेशन है जोड़ो ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
समझ रहे हो? बोलिए, देखिए यहां पे लिखा है dx, वहां क्या था? dy by dx, क्या था वहां पे? देखिए यहां पे y dx है, वहां पे क्या था? वहां पे तोड़ना था y को, तो क्या कर रहे थे? dy by dx कर रहे थे, याद है? डिफरेंशिएशन में याद करो क्या था डिफरेंशिएशन, dy by dx था। इंटीग्रेशन क्या है? y dx, ये है जोड़ना और ये है तोड़ना। समझ गए भाई आप तो, मजा आ गई, चलो समझ गए। अब बेटा मिटा दें, जल्दी से कुछ क्वेश्चन कराते हैं, हो गया? देखिए अगर मैं कहूं मेरे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं इंटीग्रेशन लगाना कैसे, सुनिए मेरी बात, ठीक है? मैं पूछूं क्या रूल होता है इंटीग्रेशन का, कैसे लगाते हैं इंटीग्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन आ गया, समझ गए? हाँ भाई, वाई डी एक्स इंटीग्रेट करते हैं ऐसे, ये तरीका होता है, समझ गए? हमने समझ लिया कि वाई कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वाई डी एक्स इसको ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे, जहां से लेके जैसे कुछ होगा यहां से वैल्यू एक्स, कुछ हो सकती है x की वैल्यू 1 हो सकती है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो सकती है, ठीक है? ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, पता चल गया। अब कैसे करते हैं बात, तो ये इंपॉर्टेंट है। आइए जैसे मैं कहूँ, देखिए पहला रूल क्या कह रहा है, पहला रूल कहता है y इक्वल टू, अगर मेरे पास x की पावर n है बेटा, y इक्वल टू x की पावर n है, और मैं आपसे पूछूँ आपसे यहाँ पे कि y डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताइए ये क्या दिखा रहा है, ये सिंबल क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ रहे हो? तो इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, देखिए बेटा, देखिए क्या हो जाएगा, इसकी जगह वाई की जगह रख दीजिए, एक्स की पावर एन और ये डॉट डी एक्स लिखा है, ठीक है? अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे होगा बेटा, ये क्या इंटीग्रेट आकर के आएगा, बोलिए इसकी वैल्यू देखिए बेटा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखिए क्या करते हैं, x की जो पावर है n है उसमें एक ऐड कर दो, उसमें एक नंबर ऐड कर दो, तो x की पावर n थी उसमें एक नंबर ऐड कर दिया, तो x n की n प्लस वन हो जाएगा पावर, बोलिए, ठीक है? x की पावर में एक नंबर ऐड किया और नई पावर जो बनी, नई पावर बनी क्या, n प्लस वन, उससे डिवाइड कर दो, बस रटो मेरे साथ, x की पावर में एक ऐड करना है, x की पावर में एक ऐड करना है और नई पावर से डिवाइड करना है, एन प्लस वन नई पावर बनी उसी से डिवाइड कर दिया, क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा आ गया, अच्छा अच्छा बेटा, अब देखिए यहां पे एक बात समझ लीजिए, एन जो एन है, एन की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, बस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव माइनस वन, कितनी चाहिए, माइनस वन नहीं होनी चाहिए, माइनस टू हो सकती है, हाँ हो सकती है, मैंने कोई नहीं कहा, माइनस टू हो सकती है, माइनस थ्री हो सकती है, माइनस फोर, कुछ भी हो सकती है, ठीक, जीरो भी हो सकती है भाई, क्या दिक्कत है, समझ लो, वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकती है, बस माइनस वन मत रखना, ठीक है? अच्छा ठीक है, अभी ये भी रख के दिखा देंगे कि क्या क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक एग्जांपल समझिए कि कैसे लगाते हैं इनको, देखिए अगर मैं कहूं मेरे पास कोई क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स की पावर थ्री, ठीक है, x की पावर थ्री, तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करोगे, y डॉट डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा बेटा एक ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए यहां पे कोई लिमिट नहीं लगी है, देखिए यहां पे आप कोई लिमिट नहीं लगा रहे, कहां से लेके कहां, देखो बताया था x1 से लेके x2 तक ऐसा कुछ होता है, यहां पे इंटीग्रेशन में कोई भी लिमिट नहीं लगी है, मतलब ये कैसी है, इनडिफिनाइट, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडिफिनाइट, ठीक है, इंटीग्रेशन पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या ये इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडिफिनाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं लगी, कहां से लेके कहां तक अंदाजे मार रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहां से लेके कहां तक पता ही नहीं, ठीक है? तो अगर आप ऐसा इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन x की पावर अगर 1 है तो x प्लस n की पावर 1 प्लस हो जाएगी और नीचे नई पावर से डिवाइड हो जाएगी, और साथ ही साथ बस नोट कर लीजिए एक कोई कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट कोई आ जाता है उसको बोलते हैं c, कोई नया कांस्टेंट आ गया, ठीक, समझिए जब भी इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन होगा कहां से लेके कहां तक करना ऐसा नहीं दिया है, उसके साथ ही साथ ये कोई सी लगा देंगे, इसका आपका कोई काम नहीं, जेई एडवांस के लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं मैं बताऊंगा, एक ठो बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है, ठीक है? देखिए अच्छा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, जल्दी बताइए, ये भी कैसा है, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन, देखिए कोई लिमिट नहीं दी है कहां से कहां, ठीक, अच्छा लिमिट देगी तब भी बताएंगे कैसे करना है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा, इसकी जगह रख दीजिए वाई की वैल्यू x की पावर 3 और इसको इंटीग्रेट करना है dx के टर्म में, ठीक है, कहाँ करना है, dx के टर्म में इसको इंटीग्रेट कर दो x को, तो क्या हो जाएगा बताइए, बताइए मैंने क्या क्या, उसकी पावर में एक ऐड करो, उसकी पावर में एक ऐड करो, पावर x की पावर कितनी है 3 है, उसकी पावर में एक ऐड कर दिया,
कर दिया, और नई पावर क्या बनी, अरे भैया एक्स सॉरी 3+1 बनी, और इसी 3+1 से डिवाइड कर दो, समझ गया 3+1 क्या है, नई पावर, और नई पावर से डिवाइड कर देना, रटो मेरे साथ, उसकी पावर में एक ऐड करो और नई पावर से डिवाइड करो, क्या दिक्कत है इसमें। और साथ में हाँ भैया भूल जाता हूँ मैं बार बार, ये सी लगा देना इसी, ठीक है, कोई काम नहीं है सी का भी, अभी तो कोई काम नहीं है, मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक, समझ गए, अच्छा समझ गए, मिटा दें, देखिए ये तो बेटा अपना पहला रूल हो गया। इस पे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं कहूँ y इक्वल टू x की पावर -3 बेटा, अब मैं कहूँ इसको आप इंटीग्रेट करिए, ठीक है, मैं आपसे पूछूँ y डॉट dx को आप इंटीग्रेट करो, बोलो y को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कैसे करोगे, यहाँ पे y की वैल्यू रख दो, x की पावर -3 डॉट dx, आपको इसको इंटीग्रेट करना है x की पावर -3 को, ठीक, क्या करोगे इंटीग्रेट करने के लिए, मैंने क्या कहा n+1, उसकी पावर में एक ऐड कर दो, फिर जो नई पावर बने n+1 उससे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पावर कितनी है -3 है x की, इसमें एक नंबर ऐड कर दिया और उसी पावर से डिवाइड कर दिया, क्लियर, बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे, बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर -2/-2, क्लियर आ गया समझ में, बोलिए क्लियर हो गया, अच्छा मिटा दें, देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, अगर मैं कहूँ बेटा यहाँ पे y इक्वल टू, एक और एग्जांपल देखिए, y इक्वल टू दिया है अंडर रूट में x, अब मैं कहूँ आपको यहाँ पे y को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, बोलाओ कैसे करोगे, क्या करोगे जल्दी बताओ, यहाँ पे y की वैल्यू रख दो, अब बेटा x को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे कोई पावर ही नहीं है, यहाँ पे अंडर रूट लिखा है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हो x की पावर हाफ, ठीक है x की पावर हाफ है, तो क्या करोगे पावर में एक ऐड करो और नई पावर से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो हो जाएगा x की पावर हाफ डॉट dx, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा जल्दी बताओ, x की पावर हाफ है, हाफ में एक नंबर ऐड कर दिया और नई पावर से डिवाइड कर दिया जो बनी हाफ प्लस वन, ठीक है बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे, बताओ कितना आएगा ये कितना हो जाएगा x की पावर 3/2 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है कितना आ जाएगा 3/2, बोलिए क्लियर हो रही बात, अच्छा एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं कहूँ ये आपको आया कि नहीं आया बताइए जल्दी, पहले ये आपको आया, अच्छा बेटा सेकंड रूल देखिए जरा, एक सेकंड रूल देखिए, अब क्या देखिए सेकंड रूल, आपने पहला रूल देख लिया बेटा, ये तो पहला रूल था कि भाई पावर n है, n क्या है हो सकता है नेगेटिव नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता, अच्छा अब मैं कहूँ यहाँ पे कि आपके पास y इक्वल टू x की पावर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे देखिए -1 नहीं हो सकती थी, मैंने इस बार यहाँ पे क्या ले ली -1 ले ली, तो अब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, मैं पूछूँ आपसे बोलो इसका इंटीग्रेशन y डॉट dx का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो यहाँ पे y रख दो, y कितना है x की पावर -1, ठीक है x की पावर -1, अच्छा अब बताइए इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, बताइए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा जल्दी बताइए, रटिए जल्दी से, क्या होता है रटना पड़ेगा बेटा, कितना होता है log बेस ई एक्स, ठीक है बोलिए प्लस सी, कितना लगेगा प्लस सी, कांस्टेंट लगेगा बेटा, कैसा है कैसा इंटीग्रेशन है इनडिफिनाइट, ठीक है यहाँ पे कोई लिमिट तो नहीं, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है देखो यहाँ पे सी लगता है ना, अच्छा मैं लगाना भूल जा रहा हूँ तो रोना मत, ठीक है यहाँ भी प्लस सी लगा लूँ, ठीक है हर जगह लगेगा इनडेफिनाइट में, हर जगह लगेगा प्लस सी, ठीक है अच्छा बोलिए समझ गए अच्छा एक और देखिए बेटा, मिटा दें या एक और क्वेश्चन देखिए पहले, चलिए मिटा ही देते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल और देखिए, जैसे बेटा अभी आपने क्या पढ़ा डिफिनाइट इंटीग्रेशन, अब आप पढ़ेंगे सॉरी इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन, अब पढ़ेंगे आप डिफिनाइट इंटीग्रेशन, क्या पढ़ेंगे डिफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है देखिए जैसे मैं कहूँ आपके पास यहाँ पे दिया हो x की पावर 2, ठीक है और डॉट dx, ठीक है और मैं कहूँ इसको इंटीग्रेट करो, अरे ऐसे दिया होगा समझ रहे हो y इक्वल टू x की पावर 2 दिया है और मैं कहूँ इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है और कहाँ से कहाँ तक करना है देखो
कहां से कहां तक करना है इसको, मान लेते हैं दिया है जीरो से टू तक, जीरो से टू तक, तो बेटा सारा रूल तो सेम है। देखिए अब यहां पे आपको लिमिट दे दिया जीरो से लेके टू तक, ठीक है, आपको लिमिट्स दी हैं लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट करना है, बाकी सेम है सारा रूल, इंटीग्रेट करो पहले तो इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो इंटीग्रेट करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, जल्दी तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर में एक ऐड हो जाएगा, बोलो एक्स की पावर में एक ऐड हो जाएगा, कितना थ्री हो जाएगी, ठीक है, और नई पावर क्या हो जाएगी बताइए, थ्री ही तो होगी। अरे ऊपर क्या किया आपने, टू प्लस वन किया होगा, यहाँ पे थ्री आ गया, और टू प्लस वन वही नीचे डिवाइड कर देते थे तो कितना आएगा, थ्री ही आएगा, बोलिए समझ गए। अच्छा ये तो हमारा बेसिक रूल था जो हमने कर लिया, मगर यहाँ पे क्या है डिफिनाइट इंटीग्रेशन, देखिए लिमिट दिया है जीरो से लेके दो तक, ठीक है, तो आप ब्रैकेट लगा के इसको कहाँ तक इंटीग्रेट कर दिए, जीरो से दो तक। अब आगे कैसे करेंगे सुनिए मेरी बात, पहले क्या करना होता है, जो ये ऊपर लिखा है अपर लिमिट, इसकी वैल्यू पुट करिए इस एक्स में, पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू की पावर थ्री हो जाएगी, डिवाइड बाय थ्री हो गया, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, बोलिए एक बार मैंने टू की वैल्यू पुट की ऊपर, अपर लिमिट की जो ऊपर होता है यहाँ पुट कर दिया, ठीक समझ गया, उसके बाद माइनस लगाएंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट कितनी है जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो कर दीजिए, एक्स की वैल्यू जीरो कर देंगे, उसकी पावर थ्री है, डिवाइड बाय थ्री, बताइए इसका आंसर कितना आएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू की पावर, देखिए ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, क्या आएगा आंसर, ये हो जाएगा टू थ्री, टू की पावर थ्री कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, एट बाय थ्री, समझ गए। अब यहाँ पे आप प्लस सी मत लगा देना, प्लस सी ना लगा देना, समझ रहे हो, प्लस सी नहीं लगता, क्योंकि ये कैसा इंटीग्रेशन है, डिफिनाइट इंटीग्रेशन, हमें पता है कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, देखो जीरो से लेके दो तक, समझ रहे हो। अच्छा बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो। अच्छा एक और एग्जांपल देखो बेटा, जैसे मैं कहूँ वन बाय एक्स है, वन बाय एक्स है डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, एक और एग्जांपल देखो, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करोगे बताओ, आप जानते हो बताओ, ये वन बाय एक्स आपको नहीं आ रहा होगा समझ में। अच्छा मैं पहले बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक लिमिट तक करना है, मैं कहूँ जैसे टू से लेके थ्री तक करना है, ठीक है, टू से लेके थ्री तक, ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी है, टू दी है, और यहाँ पे कितनी दी है, x की वैल्यू थ्री दी है, बोलिए अरे ये क्या दिया है, लोअर लिमिट क्या, x की वैल्यू तो है लोअर और लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, टू से लेके थ्री तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अच्छा आप बताइए इस x को क्या लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं, x को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं x की पावर माइनस वन, अरे इसको ऊपर भेजोगे तो x की पावर माइनस वन डॉट डी एक्स लगाए, अब इंटीग्रेट करो कैसे होगा, याद आया x की पावर माइनस वन क्या होता था, ये होता था log बेस e, log बेस e x होता था, ये तो तब होता था जब इनडिफिनाइट होता था, अब ये कौन सा है डिफिनाइट इंटीग्रेशन, तो लिमिट लगेंगी कहाँ से कहाँ तक, दो से तीन तक, तो यहाँ पे लिख दो से तीन तक, बस कुछ नहीं करना, एक बार x की वैल्यू थ्री रखो, एक बार x की वैल्यू टू रखो, और बीच में माइनस लगा दो, देखो जैसे माइनस लगाए थे, ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा लॉग बेस ई, एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे, थ्री रखोगे अपर लिमिट, ठीक है, माइनस का साइन लगाते हैं बेटा, उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ पे, टू रख दोगे, तो हो जाएगा लॉग बेस ई टू, समझ गए। अच्छा आपने लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ा ही होगा, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कोई माइनस में है तो क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको इसको लिख सकते हैं लॉग बेस ई थ्री बाई टू, चाहे तो इतने पे छोड़ दो चाहे तो ये लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस सी मत लगाना, क्योंकि ये कैसा इंटीग्रेशन है, डिफिनाइट इंटीग्रेशन है, और डिफिनाइट इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट सी नहीं आता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनडिफिनाइट में आता है, ठीक है, समझ गए। बोलिए आगे आपको इनडिफिनाइट और डिफिनाइट, बोलिए बोलिए एक और क्वेश्चन दें, चलिए देखिए देखिए बेटा, अगर मैं कहूँ जैसे मेरे पास एक्स की पावर थ्री है, y इक्वल टू एक्स की पावर थ्री दी है, और इसको बेटा इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ लिख दो, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, इसको इंटीग्रेट करना है x की वैल्यू टू से लेके थ्री तक, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन टू से लेके थ्री तक करना है, तो पहले तो इंटीग्रेट करो जैसे नॉर्मली करते हैं, कैसे करते हैं बताइए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हाँ एक्स की पावर थ्री डॉट डी एक्स, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, डी एक्स के टर्म में, किसके टर्म में, डी एक्स के टर्म में इसे इंटीग्रेट करना है, तो अब क्या करो बताओ, यहाँ पे देखो डॉट डी एक्स दिया होगा, पता है ना इंटीग्रेट कर रहे हो किसके टर्म में, एक्स के टर्म में, ठीक है। अच्छा कहाँ से कहाँ तक, टू से लेके थ्री तक, समझ गया, तो इंटीग्रेट पहले करो, कितना आएगा बताओ इंटीग्रेट करके,
ये हो जाएगा इंटीग्रेट कैसे करते हैं, उसकी पावर में एक ऐड करो, तो 3 था, x की पावर 3 है, उसमें एक ऐड कर दिया प्लस 1 और डिवाइड बाय नई पावर कितनी बनी 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1। ठीक है, बताओ ये इंटीग्रेट हो गया कितना आएगा, बोलो ये आ गया इंटीग्रेट हो गया। अब यहाँ पे देखो लिमिट भी लगी तो लिमिट लगा दो, 2 से लेके कहाँ तक 3 तक, देखो 2 से ले इंटीग्रेट करना है 3 तक, बस 2 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करना है। अच्छा अब बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 और ये हो जाएगा नीचे 4। बोलिए आसान है कि नहीं आसान है, फिर क्या करेंगे बेटा, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यूज रखिए कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके हमको 3 तक इंटीग्रेट करना है, बस एक बार क्या रखेंगे यहाँ पे बताइए, x की वैल्यू एक बार क्या रखो यहाँ पे 3 रखो, बोलिए x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखो कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 बाय 4 माइनस लगाते थे, ठीक है समझ रहे हो, फिर एक बार x की वैल्यू 2 रखो लोअर लिमिट वाली, देखो एक बार अपर लिमिट रखें ठीक, फिर माइनस लगाएं, फिर लोअर लिमिट रख के माइनस कर देंगे, ठीक है तो बताइए लोअर लिमिट कितनी रखेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे x की वैल्यू, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी डिवाइड बाय 4। बोलिए क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बोलिए बोलिए कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, चलिए देखिए 3 की पावर 4 कितना होगा 81 माइनस 4 ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 × 4 = 16 ठीक है, बाकी तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है ऐसे करते हैं डिफिनाइट इंटीग्रेशन। बोलिए क्या क्लियर हो गया, रब कर दें रब कर दें, तो चलिए आइए पढ़ते हैं रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, रूल नंबर 3 कह रहा है जैसे आपके पास यहां पे y इक्वल टू कोई कांस्टेंट दिया है 5 ठीक है, और मैं पूछूं y डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x dx क्या हो जाएगा, आप y की वैल्यू रखो यहां पे कितना हो जाएगा 5 डॉट dx, अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलिए ये हो जाएगा 5x, रटिए बेटा समझ रहे हैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे लगा हुआ x, देखो dx लगा तो बस यहाँ पे x चिपका दिया हमने, देखो dx के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो x चिपका दिया समझ रहे हो, अब यहाँ पे 5 की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे देखो मैं कहूँ 3 डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्लियर समझ गए, कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे 7 dt, अब कहोगे ये कौन सी बला आ गई, हमेशा dx था वेरिएबल dx था, कोई बात नहीं तो इस बार क्या हो जाएगा इसको इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा 7t हो जाएगा, बोलो अरे भाई dx था तो x आ गया, dt है तो t आ गया, इसमें क्या दिक्कत है भाई, जैसा वेरिएबल वैसा बेस, क्लियर। अच्छा अब अच्छा मैं एक बात ये कहूँ, जैसे कि आपको इंटीग्रेट करना है, एक क्वेश्चन देखिए अलग एग्जाम्पल और देखिए, देखिए कितने एग्जाम्पल हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए ठीक, एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूँ y इक्वल टू दिया है यहाँ पे 2 दिया है ठीक है, और आपको इसको इंटीग्रेट करना है, क्या करना है y डॉट dx को इंटीग्रेट करना है 2 से 3 तक, 2 से बेटा 3 तक इंटीग्रेट करो कैसा है, अच्छा बेटा यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी आएगा, बार बार रोना मत, देख रहो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कहाँ से कहाँ, तो देखो c नहीं आया, c आ गया ठीक है, अगर यहाँ पे लिमिट है तो कोई इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा इंटीग्रेट करोगे तो ठीक है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट सी होगा, यहाँ भी कोई कांस्टेंट सी होगा, यहाँ भी कोई कांस्टेंट सी होगा, रोने की बात नहीं है ठीक है। अच्छा अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा बताइए, आप बस इतना देखो कि इंटीग्रेट क्या आएगा ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखो, 2 डॉट dx कहाँ से कहाँ करना है वो बाद में देखेंगे, कितना है 2 से 3, बोलो ये 2 से 3 क्या, ये x की वैल्यू है बेटा समझ रहे हो, 2 से 3 मतलब x की वैल्यू 2 से लेके 3 तक, ये इंटीग्रेशन तरीका है। अच्छा अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा 2x, अरे बेटा 2 डॉट dx क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्लियर ये इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेट हो गया, अब कहाँ से कहाँ करना है 2 से 3 तक, 2 से 3 तक, अब क्या करोगे, अब इसमें वैल्यू पुट करो, एक बार अपर लिमिट पुट कर दो क्या हो जाएगा 2x की जगह क्या रख दोगे इंटू 3 रख दोगे, बोलो अरे एक्स की वैल्यू रखोगे यहाँ पे कितनी 3 रखोगे, फिर माइनस लगाते थे बोला था ना, फिर माइनस लोअर लिमिट रख दोगे माइनस 2x, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 2 है तो 2 इंटू 2 हो गया, बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, ठीक है क्लियर समझ गए। बोलिए और रूल देखें, चलिए देखें नेक्स्ट रूल,
जैसे बेटा मैं कहूं वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स है, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स है, और मैं कहूं आपको यहां पे वाई डॉट डी एक्स करना है इंटीग्रेट, ठीक है, ये अपना रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 4 है, ठीक है। बोलो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलिए क्या लिखेंगे यहां पे, वाई की जगह लिख दीजिए बेटा, कुछ इंटीग्रेशन रटने वाले हैं तो रटिए इसको, ठीक है। जैसे ये रटने वाला है क्या हो जाएगा, डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, e की पावर x। बोलिए भैया e की पावर x डॉट डी एक्स करोगे तो कोई मतलब कोई चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो, इंटीग्रेशन करने से कोई भी चेंज नहीं होगा, देखो e की पावर x हो गई, क्लियर। हाँ भैया कांस्टेंट भी लगेगा, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दी है, ठीक, समझ गया भाई। अच्छा एक और देखिए, जैसे मैं कहूँ अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले, कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले दे दूँ, देखिए रूल नंबर 1-4 देखिए, रूल नंबर 5 देखिए, सॉरी रूल नंबर 5 देखिए, जैसे मैं कहूँ y इक्वल टू यहाँ पे दिया है साइन x दिया है, ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू साइन x दिया बेटा, और मैं कहूँ यहाँ पे आपको y डॉट डी एक्स करो इंटीग्रेट, बोलो तो y क्या बेटा, साइन है, y कितना है, साइन x है, कितना है, साइन x है, ठीक है, और डॉट डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में, डॉट डी एक्स है। अच्छा ये x क्या होगा, कोई एंगल होगा साइन थीटा, समझ रहे हो, अरे कोई एंगल ही तो होगा, साइन 45 साइन 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या एंगल है, एंगल को हम x से दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है, आपका जिससे मन करे उससे दिखाइएगा, ठीक है। अच्छा इसको इंटीग्रेट करना है तो बेटा रखिए साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस कॉस x हो जाएगा। बोलिए याद करिए साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x, ठीक है। याद करिए कि कॉस x का डिफरेंशिएशन, कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन ही तो होता था, नहीं माइनस साइन होता था, समझ रहे हो, तो देखो बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में उल्टा चल रहा है, बोलो जल्दी से भाई, साइन x का इंटीग्रेशन क्या आया, क्या आया, कॉस x आया, याद है, और कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन x, याद है कि नहीं, ठीक है, तो देखो उल्टा ही तो हो रहा है इसमें। अच्छा एक और रूल देखो, ये रूल नंबर 5 हो गया, ठीक है, रूल नंबर 5 देखो, अब 6 देखो जल्दी से, जैसे मैं कहूं y इक्वल टू यहां पे दिया है cos x, और मैं पूछूं आपसे y डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां पे बेटा cos रख दो, क्या रखोगे यहां पे, y की जगह cos x रख दो, cos x का डिफरेंस इंटीग्रेशन, देखिए साइन का था माइनस कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बताइए ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। बोलिए अच्छा भैया फिर रोना मत, कांस्टेंट लगा लो, समझ रहे हो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, देखो क्या है इनडिफिनाइट कांस्टेंट, क्या है इनडिफिनाइट, कोई वैल्यू नहीं दी, किस थीटा से किस थीटा तक, किस एंगल से किस एंगल तक, कुछ लिमिट ही नहीं दी है, ठीक है, यहां भी देखो नहीं दी है, तो यहां भी क्या होगा, प्लस सी लगा लो कोई कांस्टेंट आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा डिफिनाइट होता तो हो जाता, क्लियर। बोलिए कॉपी करिए, पहले साइड हो रहा हूं, तो बोलिए क्या कॉपी हो गया, अच्छा मिटा दे बेटा, चलिए अब देखिए, देखिए दो तरह के और रूल होते हैं, वो मैंने इंपॉर्टेंट नहीं समझा था, सोचा लाओ बता ही दे, अच्छा कोई बात नहीं, इन दो रूल को देखिए, एक और रूल नंबर 7, ये क्या कहता है, जैसे आपके पास कोई sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर x, ठीक है, y इक्वल टू दिया है, अब मैं कहूँ इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, y डॉट डी एक्स का, y डॉट डी एक्स मतलब भैया sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा डी एक्स के टर्म में, बताइए क्या होगा इसका, ये हो जाता है रटिए बेटा, क्या होता है tan x, क्या होता है tan x प्लस c, ठीक है, कोई कांस्टेंट है, sec स्क्वायर x किस में बदल जाएगा, इंटीग्रेशन पे tan x में, बेटा रटना पड़ेगा इसका, कोई इफेंड बल्स नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा, हमने भी रटा है, ठीक है, हमारे आने वाले बच्चे भी रटेंगे और आपके भी आने वाले बच्चे रटेंगे, ठीक है, इसमें कोई इफेंड बट नहीं, ठीक। बोलिए एक और देखिए, ठीक है, मगर ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका, आपको बहुत कम रेयरली ही मिलेगा इसका यूज़, इसका तो भरपूर मिलेगा, ठीक है, और इसका भी रूल मिलेगा, ठीक है, भरपूर, चाहे आप जेई की तैयारी करें चाहे नीट की, इसका बहुत कम है यूज़, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत कम है। देखिए जैसे मैं कहूँ एक और रूल देखिए, y इक्वल टू यहाँ पे दिया है कुछ
कॉज कॉज एक्स दिया है बेटा और यहां पे कॉट एक्स दिया है ठीक। और मैं पूछूं यहां पे वाई डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन होके क्या आएगा, ये रूल नंबर 8 है। कितना है रूल नंबर 8 है। अब इसका बताइए जल्दी से क्या होगा, रटना पड़ेगा आपको क्या होता है, ये होता है मिटा दे जिगा है नहीं, हाँ बताइए इसका होगा माइनस कॉज एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस कॉज एक्स हो जाएगा, कॉज एक्स हो जाएगा जहां तक ठीक है, कॉज एक्स हो जाएगा और यहां भी बेटा प्लस सी आ जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखिए ये अपने हो गए पूरे रूल्स ठीक है, अब इस पर भरपूर क्वेश्चंस करेंगे आगे चल के ठीक है, मिटा दें चलिए। तो रूल्स हम लोग ने सारे पढ़ लिए हैं, आइए लगाते हैं अच्छे से क्वेश्चन ठीक है। देखिए हेडिंग ला लीजिए पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ एलजेब्रा, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, कोई टॉपिक नहीं है बेटा ठीक है, जैसे आप सिंगल सिंगल टर्म था उसका इंटीग्रेशन कर दें। अब यहाँ पे कई सारे टर्म हैं एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एलजेब्रा, समझ रहे हो। देखिए जैसे मैं कहूँ आपके पास यहाँ पे वाई इक्वल टू कुछ दिया है, वाई इक्वल टू क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 वाई इक्वल टू दिया यहाँ पे एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 ठीक है बेटा। अब मैं पूछूँ आपसे यहाँ पे y डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, तो इसके लिए क्या करोगे y की वैल्यू रख दो x की पावर 2 1 बाय एक्स माइनस 2 ठीक है, ब्रैकेट लगा दो डॉट डी एक्स, डॉट डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, बोलिए y की वैल्यू रख दी है, अब इसको क्या करो इंटीग्रेट कर दो। अच्छा क्या करोगे बेटा, सबके पास dx, देखो इनके पास dx नहीं है, dx होता इसका मतलब इसका भी इंटीग्रेशन होता, इसके पास भी dx होता तो इसका भी इंटीग्रेशन होता, इसी तरह इसका भी, तो क्या करो इस dx को अंदर भेज दो, ब्रैकेट में लगा है क्या दिक्कत है, इसको आप लिख सकते हो x की पावर 2 ठीक है डॉट dx प्लस 1 बाय एक्स डॉट dx प्लस नहीं माइनस है ना माइनस 2 है डॉट dx ठीक है। अब देखो सबके पास dx आ गया, अब सबको इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दोगे, इसको भी इंटीग्रेट कर दोगे और इसको भी इंटीग्रेट कर दोगे, बोलो क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, तो इंटीग्रेट कर दो भाई, इस dx को मैंने अंदर भेज दिया सबके पास, बोलिए अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 2 है उसमें एक ऐड करो, x की पावर 3 हो गई और उसी पावर से डिवाइड करो ठीक है, प्लस का साइन लगा लगा दिया बेटा। 1 बाय एक्स क्या होता है, 1 बाय एक्स क्या होता है, 1 बाय एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, याद करो डॉट डी एक्स, 1 माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 1 डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, क्या था रटा है कि नहीं, लॉग बेस ई ठीक है एक्स बेटा, अगर रटा नहीं है तो वीडियो को 2 मिनट पॉज कर लीजिए, रट लीजिए तब अच्छा रहेगा ठीक है। हाँ तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे आप, देखिए लॉग बेस ई ठीक है बेटा, 1 बाय एक्स लिखाओ चाहे एक्स की पावर माइनस 1 लिखियो, बात एक है दोनों का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग बेस ई एक्स ठीक है, माइनस लगाए लगा दिए। अच्छा बेटा कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता था, यहाँ पे डॉट डी एक्स है तो इसी का टर्म x चिपका दो इसमें, क्या हो जाएगा माइनस 2x, बोलिए क्लियर, आसान था। अच्छा मिटा दें, देखिए एक और क्वेश्चन देते हैं, मिटा दें, जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, मैं कहूं कि x लिख लिए मैं कहूं जैसे y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस एक्स ठीक है, और मैं पूछूं यहाँ से y डॉट dx का इंटीग्रेशन करो 1 से लेके 3 तक, इंटीग्रेशन कर दो इसका, अब क्या है लिमिट है, देखो पहले वाला क्या था इनडिफिनाइट बेटा, c नहीं चिपकाए तो चिपका लेना ठीक है, रोने मत लगना ठीक है, ये कैसा है डिफिनाइट इंटीग्रेशन, लिमिट पता है 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करना है, तो क्या करोगे इसके लिए, y की वैल्यू रखो क्या हो जाएगा x की पावर 2 5x की पावर 2 प्लस एक्स डॉट डी एक्स ठीक है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे अंदर भेज दो सबके पास dx, क्या हो जाएगा 5x की पावर 2 डॉट डी एक्स ठीक है प्लस एक्स डॉट डी एक्स ठीक, अब क्या करोगे सबका इंटीग्रेशन कर दो, देखो यहाँ पे क्या करना था इंटीग्रेशन करना था, बोलो इंटीग्रेशन करना था कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 3 तक, अब क्या करोगे यहाँ पे आप
वन से लेके थ्री तक सबका इंटीग्रेशन कर दो, इनका भी इनका भी। बोलिए समझ रहे हो, बोलो अब क्या करोगे यहाँ पे बताओ जल्दी से। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फाइव फाइव एक्स, बेटा फाइव तो फाइव ही रहेगा, ये तो कॉन्स्टेंट है इससे कोई मतलब ही नहीं, एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स की पावर टू है, इसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है थ्री से डिवाइड कर देंगे, ठीक। प्लस लिखा है, अब देखिए यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, वन है, कुछ नहीं लिखा तो उसकी पावर में एक ऐड करेंगे और नई पावर से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स की पावर वन है उसमें एक ऐड करेंगे तो टू हो जाएगा, उसी से डिवाइड कर देंगे। बोलिए समझ गए। अब आप सोच रहे होंगे लिमिट कहाँ गई, अरे लिमिट गई कहीं नहीं है, ठीक है लिमिट कहीं नहीं गई। देखो क्या करेंगे आप, अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ आप लिमिट इस पर टोटल भी लगाएंगे कि ऐसे लगाएं जैसे लगाना चाहें। देखिए आप इस पर चाहें तो देखिए दोनों पे इंटीग्रेशन कहाँ से हो रहा है, वन से लेके थ्री तक, वन से लेके थ्री तक, तो अलग अलग मतलब लिमिट लगाना कोई मतलब तो है नहीं कि इस पे ऐसे ब्रैकेट बनाओ वन से लेके थ्री, फिर इस पे भी वन से लेके थ्री, हमने एक ही ब्रैकेट में कर दिया और वन से लेके थ्री तक इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो समझ गए क्लियर। अब क्या करोगे यहाँ पे बोलो, फाइव एक्स, एक्स है बेटा, बोलो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे थ्री रखोगे तो थ्री की पावर थ्री हो गया बाय थ्री था लिख दिया, प्लस यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे थ्री रखोगे तो क्या हो जाएगा थ्री की पावर टू हो जाएगा। बोलिए फिर यहाँ पे बताइए, ये नीचे टू था लगा दिए, लगा दिया। बोलिए अभी मैंने अपर लिमिट रख लिया है, अपर लिमिट मैंने रख लिया है, अब क्या करोगे लोअर लिमिट रख दो, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, अब जिगा तो है नहीं, देखिए यहाँ लिखते हैं लोअर लिमिट रखो क्या हो जाएगा फाइव एक्स, एक्स कितना है वन है तो वन की पावर टू नहीं थ्री है ना, थ्री हो जाएगी बाय थ्री। बोलिए प्लस यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे रखनी है लोअर लिमिट में वन रखनी है तो वन की पावर टू हो जाएगा डिवाइड बाय टू। बोलिए बाकी रही बात सॉल्व करने की तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। बोलिए कितना हो जाएगा ये एक्स की पावर थ्री, सॉरी थ्री की पावर थ्री है कितना हो जाएगा बोलिए 27 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू, यहाँ देखिए 5 इंटू 27 ठीक है डिवाइड बाय 3, प्लस ऊपर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 9 बाय 2 ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, नीचे देखिए 1 का पावर 3 है तो 3 1 ही रहेगा तो 5 बाय 3 प्लस 1 बाय 2। बोलिए कर पाएंगे इसी तरह, अब क्या होगा देखिए ये कट जाएगा कितना हो जाएगा जो जाएगा 9 तो जाएगा 45 ठीक, बाकी आगे प्योर मैथ आप तो कर ही लेंगे। बोलिए अरे इतना तो आता ही होगा भैया 11th क्लास में सॉल्व तो कर ही लोगे समझ रहे हो बढ़ जाएंगे कर लोगे ना, अरे भैया सॉल्व करना है बस एक्स की वैल्यू पुट कर दी सॉल्व करना है, बोलो क्लियर मिटा दें। बोलिए रोने मत लगना यार ठीक है सॉल्व कर लोगे ना इसको ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं कहूं वाई इक्वल टू, हाँ देखिए जैसे मैं कहूं वाई इक्वल टू साइन एक्स ठीक है साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स ठीक है, और मैं कहूं यहां पे आपको इंटीग्रेशन करना है डॉट डी एक्स से, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी बताइए क्या करेंगे इसको यहां पे, अब देखिए बार बार मैं नहीं करूंगा समझ लो क्या हो जाएगा यहां पे साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है डॉट डी एक्स के टर्म में ठीक है। अब देखिए बार बार डी एक्स लगाना अंदर सब पागलपन है, सीधे इंटीग्रेट कर दो तो क्या मतलब है समझ रहे हो, अब तो सीख ही हो मन हो तो कर लेना, यहाँ पे साइन एक्स डॉट डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स बस आप सीधे इंटीग्रेट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो बोलो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन करोगे साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉज एक्स कितना आ जाएगा माइनस कॉज एक्स, अब बताइए प्लस ई एक्स का याद करिए ई की पावर एक्स डॉट डी एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या आता था नहीं आता यार
अरे याद आया क्या था बताओ, इसका कोई भी इंटीग्रेशन में चेंज नहीं होता था, e की पावर x ही रहेगा। तो इसी तरह इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x ही रहेगा बस। अच्छा भैया c लगा लेना, क्योंकि कैसा कैसा इंटीग्रेशन है, अनडिफाइंड, देखो कोई लिमिट नहीं दी है, समझ गए, c लिख लेना। ठीक, एक और क्वेश्चन करेंगे, अच्छा सा बोलिए, कॉपी कर लीजिए पहले तो, हो गया। चलिए देखिए, जैसे मैं कहूँ y इक्वल टू यहाँ पे दिया है साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा, डर मत जाना यहाँ पे x नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, y डॉट d थीटा। बेटा थीटा क्या है, थीटा कोई एंगल होगा, जरूरी थोड़ी ना कि x ही हो, बोलो इसका इंटीग्रेशन करने को कह रहा है, तो डर मत जाना। जैसे साइन x का इंटीग्रेशन क्या था, पता था, माइनस कॉज x, बोलो इसी तरह यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, अरे क्या डरना, ठीक है। बोलिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा आपको, वो भी इसकी लिमिट दी है, कहाँ से, थीटा इक्वल टू एंगल 30 डिग्री से थीटा 60 डिग्री, समझ लो ये एंगल दिया है 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक इंटीग्रेट करो। अच्छा बेटा तो बताओ क्या हो जाएगा, साइन थीटा डॉट डी थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 30 से 60 डिग्री तक, ठीक है, डिग्री है बेटा कोई एंगल, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा क्या, ये आएगा कॉस, नहीं माइनस कॉस थीटा, क्या आता था, माइनस कॉस थीटा, ठीक। बोलिए और लिमिट लगा दीजिए कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री बस। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे x था तो x की वैल्यू पुट करते थे, अरे भाई यहाँ पे थीटा है तो थीटा पुट करेंगे, एक बार 60 फिर माइनस करके 30 पुट कर देंगे, क्लियर, तो बताइए क्या होगा, बोलिए 60 डिग्री पुट करेंगे तो माइनस कॉज 60, ठीक है, फिर माइनस लगाते थे फॉर्मूले में, देखिए फिर माइनस लगा दिए, फिर लोअर लिमिट रख दीजिए, लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस कॉज थीटा, ये तो माइनस फॉर्मूले वाला, एक और माइनस, माइनस कॉज थीटा जो जब इसमें पुट करेंगे तो माइनस कॉज 30 डिग्री, ठीक, क्लियर। बोलिए ये हो जाएगा आपका माइनस, कीजिएगा प्लस कॉस 30। अब वैल्यूज तो आपको आती होगी, ठीक है, रोइएगा नहीं, अब रख लीजिएगा अपना, कॉस 60 कितना होता है, बोलिए 1/2 होता है, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, ठीक है, कर लेंगे ना सॉल्यूशन, बस यही करना था। बोलिए समझ में आ गया, समझ रहे हैं, मिटा दें। तो चलिए करते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए बेटा, जैसे मैं कहूँ आपके पास दिया है साइन 3x और इसका इंटीग्रेशन करना है dx के टर्म में, बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बेटा तरीका सुनिए मेरी बात, कैसे करते हैं, देखिए आप क्या करेंगे, इसको इस 3x को x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कुछ देर के लिए x मान लीजिए, भाई साइन x का तो इंटीग्रेशन कर ही सकते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा 3x का। तो बताइए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता था माइनस कॉज एक्स, तो एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स तो आपने माना है, एक्स कितना माना है 3x, तो यहाँ पे 3x लिख देंगे। बोलिए उसके बाद डिवाइड कर देंगे, सुनिए पहला समझ गए ना, उसके बाद डिवाइड कर देंगे जिसको आपने एक्स माना था उसका डिफ्रेंसिएशन करके, देखिए आपने एक्स इसको माना था, इसको, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 3x, भाई एक्स किसको माना था आपने, इसको माना था 3x को, तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, गो एंड वॉच हियर, कोशिश मैं करूंगा कि समझ में आ जाए। देखिए क्या होगा, इसकी पावर 1 है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसकी पावर को आगे भेजते हैं, 3 × 1 3 ही जाएगा, और उसकी पावर में से एक माइनस करते हैं, तो 1 - 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 3x की पावर 0 मतलब 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, क्लियर, मतलब कुल मिला के जो भी x को आपने माना है उसको डिफरेंशिएट करके यहाँ लिख देंगे, बस इतना ही तो करना है। चलिए ये देखिए, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक और क्वेश्चन करिए, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे दिया है cos x³ + 2, इसका इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी बताइए बेटा, बेटा इसको आप क्या मानेंगे, x मान लीजिए, इसको आप x मान लीजिए, तो cos x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए ये होता है साइन, कितना होता है साइन x होता है, ठीक है, फिर डिवाइड कर देंगे जिसको x माना था उसको डिफरेंशिएट करके, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x को, x क्या है,
एक्स की पावर 3 प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करिए डॉट dx, बताइए कैसे होगा डिफरेंशिएशन। इसकी पावर को आगे भेज देते हैं तो हो जाएगा 3x, यहाँ पे 3 लिखा है इसमें से एक माइनस कर लेंगे, पावर में से एक माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस बेटा कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो क्या आ जाएगा बताइए, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3x की पावर 2। क्या किया मैंने, x मान के sin x कर दिया इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट हो गया अपना sin x, फिर डिवाइड कर देंगे जिसको x माना था, इसको डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएट करके क्या आया 3x की पावर 2। क्लियर बताइए, कुछ कुछ चेन रूल जैसा है, कुछ कुछ चेन रूल जैसा है जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। अब बेटा एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं कहूं कि आपके पास यहां पे दिया है x साइन x ठीक है डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहां पे दो चीज है मल्टीप्लाई में, x एक अलग है, ये दूसरा टर्म है, भाई देखो ये x है ये साइन x है, सिर्फ साइन x होता तो आप इंटीग्रेट कर लेते, x होता सिर्फ तब भी इंटीग्रेट कर लेते, मगर यहां पे दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे यूवी मेथड। क्या होता है यूवी मेथड, आइए सीखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग यूवी मेथड। तो यूवी मेथड क्या होता है, यूवी मेथड क्या कहता है, जैसे आपके पास कोई दो टर्म है u और v और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है डॉट dx के टर्म में, तो इसका फॉर्मूला रटिए पहले, तो क्या होता है, होता है u, बताइए u को देखिए पहले uv है तो एक को आप अकेला कर लीजिए, एक आप कह लीजिए कि ये बाहर रहेगा इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, दो टर्म है तो एक एक करके इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए एक बार यू को बाहर रख दीजिए और वी को इंटीग्रेट कर दीजिए, वी को इंटीग्रेट कर दीजिए डॉट बताइए dx, समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, v डॉट dx का इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर, फिर माइनस लिमिट लगाएंगे, वही लिमिटेशन इंटीग्रेशन का साइन ठीक है, फिर इसका करेंगे du डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, बोलिए डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है, u क्या है जो ये था जिसका आपने इंटीग्रेशन पहले नहीं किया था। क्लियर, फिर हो जाएगा फॉर्मूले में फिर इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, ये हो जाएगा वी डॉट डी एक्स, वी डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये ब्रैकेट का साइन डॉट डी एक्स। क्लियर, ऐसे करते हैं, पहले तो फॉर्मूले को लिख लीजिए, ये नीट और जेई वाले बंदों के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ठीक है, जो इलेवेंथ में भी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या करेंगे आप बताइए, यहाँ पर लिखा है देखिए एक बार यू को इन्होंने बाहर निकाल दिया, देखिए ये क्या आपका, इसको समझ लीजिए यू ठीक है और इसको समझ लीजिए वी साइन एक्स को, अब बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू तो पुट कर दी, देखिए क्या हो जाएगा, एक बार यू को बाहर निकाल लेंगे, देखिए यू तो मतलब यू कौन है एक्स, तो एक्स को मैंने बाहर निकाल लिया ठीक है, फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे साइन एक्स का करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे डॉट डी एक्स ठीक, फिर क्या हो जाएगा देखिए फॉर्मूले में क्या दिया, माइनस का साइन लगा दिया फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर क्या करना है डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, बेटा यू कौन है, यू हमारा एक्स है तो हम क्या करेंगे डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी एक्स के टर्म में, बोलिए समझ रहे हैं, फिर क्या लिखा है फिर इंटीग्रेशन है, फिर इंटीग्रेशन किसका है वी डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन वी कौन है बेटा साइन एक्स है, साइन एक्स डॉट डी एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर ब्रैकेट का साइन लगाए, देखिए एक ब्रैकेट का भी साइन तो था और डॉट बाहर भी लगाए डॉट डी एक्स ठीक है, अब इतना लिख लिए, अगर ये लिख लिए समझिए हो गया, अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, बोलिए इनटू में समझ रहे हैं, अरे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये तो बाहर ही लिखा रहेगा ठीक, अब माइनस का साइन लिखा है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है वन होता है, कितना होता है वन, ये हो जाएगा वन, बोलिए फिर यहाँ पे क्या साइन लगा है बताइए, यहाँ पे क्या साइन लगा है, अरे साइन नहीं सॉरी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए बेटा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था माइनस कॉस एक्स ठीक, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता था ना ठीक है, फिर डॉट ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट डी एक्स, बोलिए समझ गए, अब देखिए इंटीग्रेशन लिखा है बताइए, इंटीग्रेशन लिखा है आप क्या करेंगे अंदर, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन एक्स, बोलिए अरे भाई सॉरी सॉरी एक सेकंड कुछ गलती तो नहीं हो रही है, अरे ये मल्टीप्लाई में ना, यहाँ तो ये मल्टीप्लाई में ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे माइनस में लिखा है ठीक है,
इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वन आएगा और वन इंटू ये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जब इसको इससे इंटू करोगे, माइनस कॉस एक्स बाहर आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, और प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, क्या होता है, साइन एक्स होता है। बोलो, अरे भैया ये डॉट क्या बचेगा, अरे ये हुआ क्या, समझ रहे हो क्या हुआ है, इंटू होगा तो कितना होगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस माइनस इधर चला जाएगा, प्लस हो गया, ठीक है। और उसका माइनस कॉस का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये साइन इधर आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। बोलिए क्या क्लियर हो गया, हाँ समझ में आ गया, रब कर दें, अच्छा लगा। चलिए ये होता है यूवी मेथड, बोलिए उतार दें। तो बेटा जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपसे नहीं हो रहा है, जब भी आपको लगे आप गिर चुके हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो समझ जाना, अपने दिमाग में एक बात लाइएगा कि यही वो मोमेंट है जहां से आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। अगर किस्मत का सहारा लोगे तो ज़िंदगी भर बहाने बनाओगे, रोने का बहुत बहाना मिलेगा, ज़िंदगी भर दौड़ते रहोगे, और समझ जाओगे कि यही वो मोमेंट है जहां पे आपको अपना बल दिखाना है, बुद्धिमानती दिखानी है और आगे बढ़ना है, तो आगे जाके सक्सेस हो जाओगे। तो चलिए इसी बातों से चलिए वीडियो को करते हैं एंड। जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाए हैं, इतने ही बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।